नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे उदयपुर से आ रही खबर के साथ। तो गोंगुदा थाना पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का जो पूरा मामला है, उसमें प्रशासन की समझाइश के बाद क्षत्रिय समाज के लोग और परिजन माने 30 लाख के मुआवजे पर सहमति बनी है। परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने पर सहमति बनी है। समझौते के बाद शव लेकर परिजन रवाना हुए हैं। क्षत्रिय समाज के कलेक्ट्रेट घेराव का आयोजन जो था वो अब रद्द हो गया है। संविदा पर नौकरी और 30 लाख रुपए के मुआवजे की बात को लेकर मामला यहां पर शांत हुआ है। कलेक्ट्रेट घेराव का आयोजन जो किया गया था वो फिलहाल रद्द कर दिया गया है, क्योंकि सहमति बन गई है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का ये पूरा मामला, और इस पूरे मामले के बाद अब सहमति बन गई है 30 लाख रुपए के मुआवजा और एक संविदा नौकरी पर। अविनाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर। अविनाश, कैसे बनी सहमति, क्या मामला सब कंट्रोल में है अब? जी बिल्कुल, देखिए मामला पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है, क्योंकि कल शाम को जब पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद जो पंचनामा था उसमें जो मृतक सुरेंद्र है उसके शव पे चोट के निशानों का जिक्र नहीं किया गया, तो उसको लेकर परिजनों और राजपूत समाज के लोगों का आक्रोश टूट पड़ा और उन्होंने शव लेने से इंकार कर दिया। आज सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट घेराव का आह्वान किया गया था, लेकिन उससे पहले तमाम प्रशासनिक अधिकारी समाज के मुहतबिर और परिजनों के बीच एम्बुलेंस पुलिस की मोर्चे में एक लंबी वार्ता चली और उसके बाद में सहमति बन गई, जिसमें ये कहा गया कि 30 लाख रुपए मुआवजे के रूप में जो मृतक के आश्रित है उनको दिए जाएंगे, साथ ही परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी का भरोसा जो है वो भी दिलाया गया, और साथ ही जो भी जांच होगी उसमें जो दोषी पुलिसकर्मी पाए जाएंगे उनके खिलाफ में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, और उसके बाद में जो समाज के लोग और परिजन राजी हुए और पुलिस ने शव सुपुर्द करके पुलिस सुरक्षा में जो उनका गांव है वहां के लिए रवाना कर दिया, और अग्रिम कार्रवाई जो है उसके अंतिम संस्कार की वहां पर की जाएगी। इस पूरे समझौते के बाद में जो कलेक्ट्रेट के बाहर जो राजपूत समाज का घेराव का कार्यक्रम था उसको भी रद्द कर दिया गया, और समाज के सभी लोग जो है वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रवाना हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए अविनाश। तो 30 लाख रुपए के मुआवजे और एक नौकरी जो संविदा पर रहेगी, इस पर सहमति यहां पर बनी है। शव लेकर परिजन रवाना हो गए हैं, और कलेक्ट्रेट घेराव का जो कार्यक्रम था वो भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है।